आशीर्वाद किस बात का आशीर्वाद? पासवान जी तब रहे नहीं, पासवान जी तो इस दुनिया में रहे नहीं, तो किस बात का आशीर्वाद? श्रद्धांजलि सभा होना चाहिए। मैं कल कहा हूँ कि पासवान जी का श्रद्धांजलि सभा होना चाहिए, और चिराग पासवान जी का कर्म भूमि जमुई है, तो उनको जमुई से निकलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज़, और मैं हूँ आपके साथ बिट्टू गिरी। अभी हम मौजूद है हवाई अड्डा पे, और यहाँ पे पशुपति कुमार पारस, वो अभी पटना लौटे हैं, और उसके बाद जब मीडिया से बात उन्होंने मीडिया जब बात उनसे किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो आशीर्वाद यात्रा है वो कहीं ना कहीं गलत है, श्रद्धांजलि करना था। लेकिन जिस तरह से पशुपति कुमार पारस पटना लौटे उसके बाद जो बयान दिए हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं वो गलत है, क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस, सुनिए। पासवान जी का जन्म 3/5 जुलाई को है, उसमें पार्टी का पार्टी की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से बृहत रूप से हम लोग मना रहे हैं, और पूरे बिहार से काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, और पूरे देश में भी बड़ी सेना और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से पूरे देश में सभी जगह उनकी जयंती मनाई जा रही है। उस दिन चिराग भी निकाल गए, अच्छी बात है, चिराग भी निकाल दे तो अच्छी। देखिए ऐसा है, स्वर्गीय पासवान जी के बेटे हुए चिराग पासवान जी, उनका भी अधिकार है, मैं उनका भाई हूँ, मेरा भी अधिकार है, वो निकालते हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई तकलीफ क्या बात है। वो हाजीपुर से निकाल रहे हैं, हम पार्टी कार्यालय पटना से निकाल रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा है कि आशीर्वाद लेंगे देश पूरे बिहार भर में घूम के? मैं तो कल कह चुका हूँ कि आशीर्वाद यात्रा गलत है। आशीर्वाद किस बात का आशीर्वाद? पासवान जी तब रहे नहीं, पासवान जी तो इस दुनिया में रहे नहीं, तो किस बात का आशीर्वाद? श्रद्धांजलि सभा होना चाहिए। मैं कल कहा हूँ कि पासवान जी का श्रद्धांजलि सभा होना चाहिए, और चिराग पासवान जी का कर्म भूमि जमुई है, तो उनको जमुई से निकलना चाहिए। चलो 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 केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात चल रही है भाई, ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, मंत्रिमंडल लेंगे किसको नहीं लेंगे, किसको क्या विभाग मिलेगा, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसमें हम कुमार पारस की दावेदारी है नहीं, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार, दावेदारी होने से क्या होगा, वो जिसको चाहेंगे वो बनेगा। चलो चलिए भाई भाई भाई।